हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल फाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं US डेलावर में रहती हूँ। एंड आज सैटरडे है तो हम यहाँ डेलावर इस्कन में एक रथ यात्रा के लिए एक फेस्टिवल हो रहा है, रथ यात्रा फेस्टिवल। तो हम लोग वहीं जाने का सोच रहे हैं, तो हम लोग वहीं जाते हैं और मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है उधर। यानी ये रथ यात्रा है प्रभु श्री जगन्नाथ का, उनको चैरियट में बिठा के भक्त लोग खींचते रहते हैं और हम लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ जाके आप लोगों के साथ में बात करती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या होता है। हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से और वहाँ इस्कन में पहुँच के आपको दिखाती हूँ, वो टेम्पल दिखाती हूँ और वहाँ रथ यात्रा का क्या क्या चल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड ये हमारा जूनियर अयान है। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं उसको लॉलीपॉप चाहिए रहता है। अयान अपना लॉलीपॉप एंजॉय कर रहा है और म्यूजिक के साथ झूम रहा है। अभी हम रास्ते पे हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आप लोग देखो हाँ कितना सुंदर है, वो बहुत सारा ग्रीनरी है। का नज़ारा बहुत सुंदर है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और ये पाइन ट्रू जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन पता नहीं वो क्या है, लेकिन बहुत सुंदर है। हम लोग कभी पहुँच गए हैं इस टेम्पल पे और अंदर जाके लोगों को दिखाते हैं टेम्पल के अंदर कितना सुंदर सजाया है। टेम्पल यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को चैरियट में बिठाया गया है। यानी इस्कन टेम्पल है और यहाँ राधा कृष्ण का मूर्ति है और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का भी है, यहाँ पर पूजा हो रहा है। हम अभी टेम्पल के अंदर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर है। अयान थोड़ा रो रहा है बिकॉज़ वो बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड साउंड और वहाँ पर थोड़ा कीर्तन चल रहा था तो थोड़ा नॉइज हो रहा था तो उसको थोड़ा वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमने यहाँ मंदिर के अंदर फूल चढ़ाया, बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रहा था। फिर हम यहाँ प्रणाम करके बाहर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाहर लॉन पे बहुत सारा स्टॉल लगा रहा है, बहुत सारा स्टाइल है जैसे कि खाने का और इंडियन कपड़े का और साड़ी, बहुत सारा ड्रेसेस और इयररिंग्स ज्वेलरी बहुत कुछ था स्टाइल में। हमें सब जगह घूम के देखा, हमें तो कुछ लेना नहीं था। वो खाने का भी बहुत सारा स्टाइल था और मुझे छोले भटूरे खाने को मन था तो हम लोग छोले भटूरे खाए, लेकिन बहुत कुछ पानी पूरी जैसा दही चाट सब कुछ मिल रहा था, डोसा, लेकिन मुझे मन था छोले भटूरे तो हम लोग एक प्लेट छोले भटूरे लेके अभी खा रहे हैं।
यहाँ पर कीर्तन चल रहा है और लोग सब नाच रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर हम यहाँ आके आयन को थोड़ा उनके साथ थोड़ा खेल रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वो साउंड के वजह से। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो भी खींचे और आयन थोड़ा नीचे भाग रहा था उधर, उसको थोड़ा अच्छा लगा तो थोड़ा वो भागने लगा था और खेल रहा था। उसका मैंने कुछ फोटो क्लिक किया था इधर। फिर हम अभी निकलेंगे घर के तरफ, क्योंकि हमें भी इंडियन स्टोर जाना है, हमें कुछ सामान लेना है इंडियन स्टोर से। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो खींच के, वहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स था तो हम लोग थोड़ा फोटो खींच के फिर हम अभी पहुँच गए परिवार सुपर मार्केट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर में इंडियन जितना भी ग्रोसरी है सब कुछ मिल जाता है, मोस्टली सब कुछ मिल जाता है। और हम अंदर चल के आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ हमने क्या क्या लिया, यहाँ क्या क्या मिलता है। हम अभी अंदर आ गए। यहाँ पर ग्रोसरी के साथ खाने का भी चीज़ मिलता है, जैसे कि जलेबी, गुलाब जामुन, अन सम करीज, अन पराठा, अन बड़ा पाव, शुगर केन जूस, जैसे रोटी, पराठा, ब्रेड सब कुछ मिलता है। यहाँ पर बिस्किट का सेक्शन है। जल्दी में था तो ज़्यादा रेकर नहीं कर पाए, हम लोग इतना ही ग्रेसरी लिए। अब मैं घर पहुँच के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमने आज इंडियन स्टोर से क्या क्या लिया। और हम अभी घर पहुँचने वाले हैं। हम अभी घर पहुँचे और आयान इधर भाग रहा है घर की तरफ, वो हमेशा मस्ती मूड में रहता है। Ayan, what is this? Ayan, what is this? Ayan, what is this? Beans fry. What is this? Cabbage. This is cabbage. What is this? Cauliflower. Ayan, where is eggplant? Here. इंडियन स्टोर से हमें दो कोकोनट वाटर लेके आए हैं। यहाँ इधर ऐसे ही कोकोनट मिलता है और एक काला चना का पैकेट लेके आए, एक पॉपी सीड्स लेके आए और एक चिकन मसाला और ये ब्लैक सॉल्ट ख़त्म हो गया था तो इसका एक पैकेट और ये एक पाम्पड़ है
वो आयन का फेवरेट है तो उसको लेके आए हैं, और एक कोरिएंडर पाउडर लेके आए हैं, उसको मसाला बनाना है। कोरिएंडर सीड्स लेके आए हैं, उसको हम पाउडर बनाएंगे। और ये उड़द दाल का एक बड़ा पैकेट, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है डोसा बैटर में। और एक बेसन का पैकेट लेके आए हैं, और वो चाइनीज आइटम्स नूडल्स बनाने के लिए ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, एक विनेगर वो ख़त्म हो गया था तो उसको लेके आए हैं, और एक छोटा सा पनीर का पैकेट लेके आए हैं, और ये पाव भाजी का बन मिल रहा था तो उसमें से एक लेके आए हैं। तो पाव भाजी बनाएंगे तो उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे अच्छा एक मोमो का डम्पलिंग, मोमोज बनाने के लिए वो डम्पलिंग रैपर मिल रहा था तो मैं उसमें से एक लेके आई हूँ, और जब मोमोज बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी उसका रेसिपी। और वेजिटेबल्स में ये दो कॉलीफ्लावर अच्छा मिल रहा था तो दो लेके आए हैं, और थोड़ा सा बीन्स और एक कैबेज और एक चोखा बनाने के लिए और एक बैंगन, ये छोटा बैंगन का एक थोड़ा सा लेके आए हैं। और ये अच्छा मेथी मिल रहा था तो एक मेथी का एक बंच लेके आए हैं। बस इतना सा आज का इंडियन स्टोर का शॉपिंग हो गया। तो मैं जब रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये हमारा आज का डिनर, वेज बिरयानी एंड गोभी मंचूरियन। यहाँ पर एक बिरयानी सिटी के रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बिरयानी अच्छा मिलता है तो हम लोग ने हमारे लिए बिरयानी ऑर्डर कर दिया। रायन को थोड़ा सूजी का चिल्ला बना के खिलाए, और हम मैंने थोड़ा ये एक्स्ट्रा रायता बनाया था हम लोगों के लिए। तो आज का डिनर हो गया। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।